हेलो एवरीवन दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर विंडोज़ टेन एसेसरीज एसेसरीज आर स्पेशल प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू डू मेनी टास्क सच एज़ वर्ड प्रोसेसिंग पेंटिंग एक्सेट्रा ओके जो एसेसरी है वो एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमें बहुत सारी टास्क को करने में हेल्प करती है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पेंटिंग वगैरह ओके दीज आर मैनी प्रोग्राम रिगार्डिंग दीज यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग असेसरीज अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर यहाँ बहुत सी यूजफुल और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और असेसरी है तो जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में और ये प्रोग्राम है जो नोट पैड वर्ड पैड स्निपिंग टूल करेक्टर मैप आदि हैं ओके नेक्स्ट फर्स्ट वन इज़ नोट पैड नोट पैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर दैट वी कैन यूज़ टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट वी कैन ईजली व्यू और एडिट द टेक्स्ट फाइल्स ओके जो नोट पैड है वो क्या है एक बेसिक टेक्सट एडिटर है जिसे हमें कहाँ यूज़ करते हैं एक सिंपल डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए या कुछ भी आप टाइप करने के लिए ये देख रहे हो आप ये क्या है सिंपल ब्लैंक नोट पैड है इस पर आप कुछ भी राइट कर सकते हो टेक्स्ट कर दे सकते हो ओके अब ये नोट पैड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर जाना पड़ेगा देन वी कैन ओपन विंडोज़ एसेसरीज और उसके बाद नोट पैड आपकी डिस्प्ले पे हो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे नेक्स्ट इज वर्ड पैड वर्ड पैड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू टाइप द टेक्स्ट इन एनी फॉर्मेट वी कैन राइट लेटर्स एप्लीकेशन एस एस प्रोग्राम एक्सेट्रा इन इट ओके वर्ड पैड क्या है वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमें कुछ भी टेक्स्ट करने के लिए या किसी भी टाइप का टेक फॉर्मेट पर कर, टेक्स्ट करने के लिए हेल्प करता है जैसे राइट लेटर एप्लीकेशन ऐसे पैराग्राफ आदि टेक्स्ट करने के लिए ओके और इसे वर्ड पैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और देन उसके बाद हाँ, विंडो एसेसरीज ओपन होगी और उसके बाद वर्ड पैड ओपन होगा ओके तब तो अपनी आपकी स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा वर्ड पैड ओके अंडरस्टूड नेक्स्ट इज स्निपिंग टूल व्हाट इज स्निपिंग टूल द स्निपिंग टूल अलोस अस टू टेक द शॉट ऑफ एनी विंडो ऑन अवर डेस्क टॉप स्निपिंग टूल क्या करता है हमें किसी भी विंडो डेस्क टॉप पे जो विंडो है उसको स्क्रीन शॉट लेने में मदद करता है ये एक टूल है ओके दिस हेल्प अस टू डूइंग इन असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स और ये हमें क्या हेल्प करता है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स को करने के लिए वी कैन ईजली सेव द सिलेक्टेड स्क्रीन एंड प्रिंट हिट हम इससे स्निपिंग टूल में जो भी हम आ, टेक्स्ट करते हैं उसे सिलेक्ट करके स्क्रीन पे सेव कर देता है और उसे प्रिंट कर देता है तो स्टार्ट दी स्निपिंग टूल स्निपिंग टूल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा उसके बाद विंडो एक्सेसरी खोलेगी और उसके बाद फोल्डर निकलेगा स्निपिंग टूल ऑप्शन आ जाएगा ओके ये आप साइड पे देख रहे हैं न्यू पे स्निपिंग टूल आ गया देन न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ब्लैंक आ जाएगा ओके और न्यू विंडो अपियर ऑन द स्क्रीन ओके स्क्रीन पे जब आपका ये स्निपिंग टूल आ जाएगा पेज तब उसके बाद आप न्यू पे जाके क्लिक कर दोगे नेक्स्ट इज़ character मैप इट इज़ a फीचर इन विंडो 10 accessories इन ऑर्डर टू इंसर्ट some characters, symbols दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द the keyboard और द एप्लीकेशन इन यूज़ ये एक विंडो टेन असेसरी है जो है जो उसका फ़ीचर है जिसमें क्या क्या इंसर्ट हैं सम स्पेशल करैक्टर्स हैं सिंबल्स हैं ओके ये ठीक है इसमें आप देख रहे हो ना करेक्टर है और सिंबल्स वगैरह हैं ये पर ये कीबोर्ड और ना ही किसी एप्लीकेशन का पार्ट है इसे हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ओके okay? ये एक एप्लीकेशन है नोट अ कीबोर्ड टू ओपन करेक्टर मैप करेक्टर मैप को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा देन विंडो एसेसरी पे जाना पड़ेगा उसके बाद करेक्टर मैप का ऑप्शन आएगा और ये आपकी विंडो पे खुल जाएगा ओके नेक्स्ट इज पेंट वी ऑल हैव टू नो वट इज़ पेंट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे ड्रॉ करने के लिए और किसी भी इमेज को कलर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है प्रो पेंट है जो पेंट प्रोग्राम उसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा देन विंडो असेसरी देन पेंट ऑप्शन आ जाएगा और आपका पेज खुल जाएगा ठीक है ये जो आप देख रहे हो ये पेंट का पेज है ओके नेक्स्ट इज विंडो मीडिया प्लेयर विंडो मीडिया प्लेयर क्या है इट इज़ अ प्रोग्राम यूज़ टू लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच वीडियो इन द कंप्यूटर टू स्टार्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन विंडो असेसरी विंडो मीडिया प्लेयर ऑप्शन द विंडो मीडिया प्लेयर स्क्रीन अपीयर्स ये क्या है एक प्रोग्राम है जिसे म्यूज़िक सुनने के लिए वीडियो वॉच करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है सबसे पहले विंडो मीडिया प्लेयर को खोलने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा देन क्लिक ऑन विंडो असेसरीज और उसके बाद विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपका ऑप्शन आएगा तो आपका ये विंडो मीडिया प्लेयर है जो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए तो ये आपका चैप्टर था इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन प्लीज़ आस्क हिम ओके थैंक्स